हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, हम झारखंड के जलवायु परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं और इसी विषय पर हम आगे लेक्चर और नोट्स लिखेंगे कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन जो हो रही है उसके लिए कौन कौन से उपाय यहाँ किए जा रहे हैं। हमने अभी इसके पहले वाले क्लास में ये देखा था कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, जो ये पूरी समस्या विश्व की है, तो विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कौन कौन सी बैठकों का आयोजन किया गया और किसमें कौन सी मुख्य बातें कही गई। ओके छात्रगण, तो हम उसी नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने हेडिंग लिखा था कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन, और उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी नोट्स कंटिन्यू करने के दौरान आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे, झारखंड में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपाय के लिए उपाय। इसमें लिखिए आप लोग, झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई, इकाई के द्वारा अर्थात झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। इसके तहत 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल एक्शन प्लान
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के नियंत्रण हेतु 8 मिशन की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हरित मिशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व फॉरेस्ट डेंसिटी, राष्ट्रीय हरित मिशन ने, यह राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व में सुधार के लिए 5 से 10 वर्षों के लिए लाखों रुपयों की योजना तैयार की है। और वे चार राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और केरला। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए झारखंड के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट, की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई है। भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा तीनों राज्यों में प्रारंभ किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से, नेक्स्ट पॉइंट में है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से झारखंड राज्य अछूता नहीं रहा, जैसे उसी में अछूता नहीं रहा, जैसे राज्य की कुल भूमि का मात्र, राज्य की कुल भूमि का मात्र 23% भाग ही, जैसे राज्य की कुल भूमि के 23% भाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। किया जाता है उसी में राज्य की कृषि मूलतः, राज्य की कृषि मूलतः मानसूनी जलवायु पर ही आधारित है। आधारित है आधारित है और पिछले 100 वर्षों में झारखंड क्षेत्र में और पिछले 100 वर्षों में झारखंड क्षेत्र में 150 मिलीमीटर वर्षा की मात्रा में कमी आई है, जो जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम है। जिसके कारण राज्य की कृषि उत्पादकता, राज्य की कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता तथा कृषि प्रतिरूप, एग्रीकल्चर पैटर्न, जिसके कारण राज्य में कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता और कृषि प्रतिरूप को प्रभावित किया है, को प्रभावित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु जापान की हिताची कंपनी, कंपनी का नाम है हिताची, पर्यावरण संरक्षण हेतु जापान की हिताची कंपनी को राज्य में, जापान की हिताची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा, सॉलिड वेस्टेज, ठोस कचरा पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु, बिजली उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु झारखंड में संयंत्र लगाने पर सहमति प्रदान की गई है, की गई है। नेक्स्ट, राज्य में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के
दुष्प्रभावों को कम करने हेतु राज्य में, ऐसे लिखिए, झारखंड राज्य में वनों को वृद्धि हेतु, वनों के वृद्धि हेतु 2015 में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई है। जन वन योजना की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई, राज्य में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन तथा जीविका के साधनों की उपलब्धता पर बल दे रहा है। उसी में यह इकाई राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण के संदर्भ में अन्य विशेष कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य के औद्योगिक घरानों को जहरीली गैसों के उत्सर्जन ना करने हेतु तकनीकी सहायता दी जा रही है।
दी जा रही है उसी में यद्यपि राज्य में सर्वाधिक यद्यपि राज्य में सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला जिला गिरिडीह है गिरिडीह है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप के कारण के कारण राज्य में तापमान एवं वर्षा के परिवर्तनशीलता के कारण कृषि तथा अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में 2020 मतलब 2020 से 2050 के बीच 2020 से 2050 के बीच बीच राज्य में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक तथा शीत ऋतु में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना है। छात्रगण, अभी तक हमने इस पर्यावरण के दौरान पर्यावरण क्या है, इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, प्रदूषण का स्तर क्या है, प्रदूषित पदार्थों को भी टू पर टाइप से, झारखंड में कौन कौन प्रदूषण देखने को मिल रहा है, उसके लिए कौन कौन सा अधिनियम काम कर रही है, झारखंड में पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन किस संदर्भ तक है, इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, और इस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कार्य विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर और झारखंड स्तर पर किए जा रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। छात्रगण, नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। हेडिंग दीजिए आप लोग, आपका हेडिंग होगा जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी। लिखे
झारखंड के जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी बी आई ओ डी आई वी ई आर बी आई ओ डी आई वी ई आर एस आई टी वाई एस आई टी वाई बायोडायवर्सिटी झारखंड के जैव विविधता छात्रगण, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। छात्रगण, जैव विविधता का सामान्य अर्थ है किसी क्षेत्र में पशुओं, पौधों, जीवित पदार्थ की विषमता और उनकी भारी संख्या, अर्थात उनकी विषमता भी खूब हो, संख्या भी खूब हो, जितनी संख्या ज्यादा होगी, जितनी उनकी विषमता ज्यादा होगी, उसे अच्छा बायोडायवर्सिटी एरिया माना जाएगा। छात्रगण, इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि झारखंड में जैव विविधता का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार की जैव विविधता यहां देखने को मिलती है, इसमें कौन सी समस्या उस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का दुष्परिणाम इस जैव विविधता पर कैसे पड़ रहा है, इसकी चर्चा हम अभी नोट्स के माध्यम से शुरुआत करेंगे। छात्रगण, आपका हेडिंग होगा झारखंड के जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी ऑफ झारखंड। ओके छात्रगण, तो आप जैव विविधता का लिखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, जैव विविधता का अर्थ है जीव और जीवों की विविधता और संख्या, जीवों की विविधता और संख्या, जिसमें पौधे और पशु दोनों सम्मिलित हैं, जिसमें पौधे और पशु दोनों सम्मिलित हैं, उसी में किसी भी क्षेत्र में जीव विविधता अर्थात किसी भी क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों अर्थात किसी भी क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है होती है, उस क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में WG रोसेन
डब्ल्यू जी रोसेन ने किया। किया उसी में समान रूप से पृथ्वी पर उपस्थित, समान रूप से पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं और पादपों, जीव जंतुओं और पादपों मतलब पौधों, प्लांट्स, जीव जंतुओं और पादपों में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता, उसकी संख्या, पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट हरी दीजिए, जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। हेडिंग दीजिए, जैव विविधता का महत्व। इसमें लिखिए, जैव विविधता जहां पर्यावरण, जैव विविधता जहां पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट, जैव विविधता जहां पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से विशेष महत्व है, वहीं मनुष्यों के लिए भी इसका महत्व कम नहीं है। जैसे जैव विविधता भोजन, दवाओं एवं अन्य, जैसे जैव विविधता भोजन, दवाओं एवं अन्य उस सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है विविधता भोजन दवाओं एवं अन्य उस सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है जिसका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। उसी में यह जैव विविधता आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता भारत के संदर्भ में एक अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि भारत को जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश माना जाता है, एक समृद्ध देश माना जाता है।
माना जाता है। झारखंड के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में भी, झारखंड के संदर्भ में भी जैव विविधता विविधता का एक अनुकूल दशा है, दशा उपलब्ध है, दशा उपलब्ध है। यद्यपि झारखंड में जैव विविधता का ह्रास होना प्रारंभ हो गया है, जिसका मुख्य कारण वनों का विनाश, कमा दीजिए, बढ़ती आबादी, वन्य जीवों का शिकार, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्रदूषण, अनियंत्रित पशु चराई, पर्यावरण के परिवर्तन, संक्रमण, इत्यादि मुख्य कारण है, नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता के संरक्षण हेतु, मुख्य रूप से झारखंड में, और भारतीय स्तर पर, दो प्रणालियां अपनाई जाती है, नंबर वन, स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू स्वस्थानीय कंजर्वेशन। नंबर टू लिखिए पर स्थाने, स्वस्थाने, और नंबर टू है पर स्थाने, संरक्षण, वही एक्सिटू व एग्जिट। स्वस्थाने संरक्षण इन सीटू और एक्सिटू, और पर स्थान संरक्षण,
छात्रगण, मैंने लिखा, अभी आपने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी के ख्याल से भारतीय स्तर एक अच्छा अनुकूल माहौल है, क्योंकि यहां पौधों पशुओं की संख्या में विविधता भी है और विविधता के साथ दोनों प्रजाति विभिन्नता भी स्पष्ट रूप से दिखती है। देखा जाए तो झारखंड भी इस अनुकूल माहौल के स्तर तक है, मतलब यहां भी बायोडाइवर्सिटी लगभग अच्छी है, यद्यपि उसका ह्रास हो रही है। झारखंड और भारतीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए दो उपाय किए जाते हैं, इन सीटू और पर स्वस्थाने बाह्य स्थाने, मतलब किसी स्थान पर जहां उस जंगल में जंगली पशु पौधों का स्थान ऑलरेडी पहले से है बाय नेचर, किसी स्थान पर पशुओं और प्रजातियों की संख्या पहले से अगर कहीं है तो उसको उसी जगह देना संरक्षण कहलाता है इन सीटू। लेकिन हरास अब इतनी हो गई है कि उसी जगह उस पौधे को पशुओं को संरक्षण नहीं दिया जाता है, तो उसको कहीं बाहर ले जाकर संरक्षण देना, रिसर्च करना, उसे कहलाता है पर स्थाने, मतलब पौधों जंतुओं की विविधता प्रजातियों को उसी स्थान पर देना संरक्षण एक, या उसको वहां से बाहर निकाल कर देना संरक्षण दो। तो संरक्षण के दो उपाय हैं, इन सीटू मतलब स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में यह समझेंगे कि स्वस्थाने संरक्षण का क्या अर्थ है और पर स्थाने एग्जिस्ट सीटू का अर्थ क्या है और झारखंड में ये किस तरह काम कर रहा है। तत्पश्चात हम ये भी आएंगे कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर और या अलग रूप से झारखंड के द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तत्पश्चात हम ये इन्वायरमेंट चैप्टर को खत्म कर पाएंगे, ताकि आप जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड, जिसमें से इस चैप्टर से आपके 14 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, उसे आप अच्छी तरह समझकर आप परीक्षाओं में अटेम्प्ट कर सकें, उसे सॉल्व कर सकें। इस बायोडाइवर्सिटी को पढ़ाने के बाद उसे हम एंड करेंगे। ओके, थैंक यू।